हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये व्लॉग है नवमी का, मतलब इस दिन हम लोग कंजके जिमा रहे हैं। तो आप सभी को नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो व्लॉग काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन आज व्लॉग शेयर कर रही हूँ तो आप सभी को शुभकामनाएं देना तो बनता ही है। तो आपको महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग, मतलब मम्मी और मैं, सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे, उसके बाद घर के काम करे, और उसके बाद हम, मम्मी और मैं जो है, नहाकर आ चुके हैं किचन में। और यहाँ पे मम्मी ने जो है हलवा बना दिया है। और हलवा जो है ना, ज़्यादातर मतलब मम्मी ही बनाती हैं, क्योंकि हलवा ऐसे, मतलब मेरे को भी आता है लेकिन बनाती मम्मी ही है, अच्छा बनाती है मम्मी। तो हलवा मम्मी ने बना दिया है यहाँ पर। अभी मैंने जो ड्राई फ्रूट्स से उनको वॉश कर लिया है, मतलब ऐसे तो साफ़ ही थे पैकेट में, लेकिन फिर भी एक बार हल्का सा मेरे को ना लगा जैसे पता नहीं कहीं ख़राब ना हो, तो मैं अच्छे से सारे, मतलब मैंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वॉश कर दिए थे, उनको मैं कट कर रही हूँ क्योंकि हलवा में डालने हैं। और इसके बाद जो गोला होता है ना, जो सूखा नारियल होता है, उसको भी मैं ग्रेट कर दूंगी क्योंकि हलवे में डालना है वो, इसलिए। तो मम्मी ने जब तक हलवा बनाया है तब तक मैंने एक साइड यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट्स कट वगैरह कर दिए हैं, और एक साइड में जो काले चने हैं ना, वो रात को भिगोए थे, तो रात, मतलब उनको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है अभी। और इसके बाद जो है ना, जो काले, मतलब जो आटा है, मैं आटा गूंद दूंगी, क्योंकि आटा गूंदा हुआ रहेगा तो फटाफट सब कुछ हो जाएगा। तो हम लोग ना, मतलब अभी क्या बोलते हैं, जल्दी उठ के सारा काम निपटा के, और उसके बाद जो है भोग बना देते हैं, उसके बाद जो है पूजा आरती वगैरह करेंगे, और उसके बाद मैं कन्याओं को ढूंढने जाऊंगी, क्योंकि कन्याओं को ना ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो मिल जाती हैं आसानी से, वैसे हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी तो उनको ढूंढना पड़ता है। जब तक अपने घर लाओ तब तक तो वो कितनी बार इधर से उधर हो जाता है, लेकिन वो ये कि ढूंढना तो पड़ता ही है। इस बार कुछ अलग तरीके का सोचा था, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा हुआ। इस बार हमारा जो कन्या जिमाई हमने कराया ना, बहुत अच्छे से हुआ है। और यहाँ पर एक साइड में जो काले चने हैं वो भी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, तो इनका जो पानी है वो मैं अलग कर रही हूँ। और आपको ना वॉइस ओवर में बैक से आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में बर्ड्स की, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं, तो जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, एकदम से एक साथ चिल्ला रही हैं वो। तो सर्दियों में यहाँ पर आती हैं, हमारे इधर बहुत प्यारी प्यारी बर्ड्स आती हैं, तो वही चिल्ला रही हैं। तो एक मैंने जो है पानी अलग कर दिया है, चने अलग कर दिए हैं, यहाँ पर ले लिया मैंने सेम प्रेशर कुकर जिसमें चने मैंने बॉईल करे थे, इसमें ले लिया है ऑयल, और साथ में इसमें जीरा ऐड कर दूंगी मैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि जो माता का भोग होता है उसमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब जीरा चटक गया अच्छे से, तो मैंने हल्दी, धनिया पाउडर और साथ में थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर लिया है। गैस इस टाइम पे ना ऑफ कर दिए, कहीं मसाले जले ना, इसलिए अब मैंने ऑन कर दिए। और जो मैंने अभी चने दे दिखाए थे ना आपको, वो सारे ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मिला लेंगे अच्छे से, ताकि सारा का सारा मसाला इनमें मिल जाए। और अब जो पानी मैंने अलग करा था ना, उस पानी को थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इससे क्या होता है ना कि जो चने हैं ना, बिल्कुल ड्राई नहीं होते हैं, ऐसे लटपटे से बनते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं वो। ड्राई ड्राई ना फिर अलग से लगते हैं, इसलिए हल्का सा इसको बस मैंने चला लिया है और सिम आँच पर इसको रख दिया है। और फिर 2-3 मिनट बाद मैं इसको बंद कर दूंगी, जब पानी वो सूख जाएगा। और यहाँ पर सिया भी उठ चुकी है, तो इसको मुझे अभी रेडी करना है नहलाकर, क्योंकि मतलब लोग ना बुलाने के लिए आ जाते हैं इसलिए। और यहाँ पर अभी मैं आटा गूंद रही हूँ, तो मैं ना एक साथ ही सारा आटा गूंद रही हूँ। पहले मैं दो पार्ट में गूंदती थी, लेकिन अभी मैंने सोचा चलो एक साथ अगर गूंदा जा रहा है तो गूंद ही देती हूँ। तो सारा आटा मैंने गूंद दिया है, और यहाँ पर सिया को मैं नहला के लेकर आ गई हूँ। उसको मैंने कपड़े पहना दिए और स्वेटर पहनाया ऊपर से, वैसे तो वो मानती नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी सुबह ना बहुत ठंडा है, तो अभी शायद से 7:30 बज रहे होंगे, तो इस वजह से मैंने उसको स्वेटर पहना दिया बड़ा मनाकर। और यहाँ पर मैं उसके बाल बना रही हूँ, हेयर वॉश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बस में फिर बाल गिरे ना, कहीं जुखाम ना हो जाए, इसलिए तो बाल बना दूंगी। और यहाँ पे ना कैंडी ऐसे देख रही थी, उसको लग रहा था ये सब रेडी क्यों हो रहा है, उसको ये लगता है कि तैयार हो रहे हैं तो ये कहीं बाहर जा रहे हैंगे, तो इसलिए वो बहुत ध्यान से देख रही थी कि मतलब मैं भी तैयार हूँ और सिया भी रेडी हो रही है, उसको ये लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने सिया के बाल वगैरह बना दिए हैं। और मतलब मैं इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि फिर मुझे ना अपने बीच में अपने काम भी रहते हैं, तो एक बार इसको रेडी करके रख दूँ ना, फिर कोई भी बुलाना है तो ये अपना चले जाएगी इस वजह से।
अभी रेडी हो चुकी है। जय माता की। तो हमारी छोटी सी रानी रानी मतलब माता रानी जो है रेडी हो गई है। मोबाइल नहीं छूट रहा है लेकिन दादी का। और इसने ना अपनी कुर्ती के साथ ना जीन्स पहना है क्योंकि इसको बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो रहा था प्लाजो के साथ ना, तो इसने इसे पहन दिया। मैंने स्वेटर पहना दिया है क्योंकि वो हो रहा है बादल जैसे हो रहे हैं सुबह सुबह ना, इसलिए। तो ये रेडी बैठी है, कोई बुलाएगा तो तुरंत ही चले जाएगी क्योंकि फिर ना काफी लेट हो जाता है तैयार करने में इसलिए। और यहाँ देखो जरा इसको, पता नहीं क्या, इसको देखो क्या हो गया, पता नहीं पीछे पीछे घूम रही है। क्या हो गया इसका पट, वो भी खुल गया कपड़ा। क्या हुआ, अभी थोड़ा ना खाना मिलेगा, छुपे छुपे अभी मिलेगा। अच्छा देते हैं फिर, दे रहे, रुक जा। और यहाँ पे हमने लगा रखा है वैष्णो माता के भजन, इतने सुंदर सुंदर आ रहे हैं आपको क्या बताऊं। और 8 बज रहे हैं, वहां पे बहुत प्यारे प्यारे भजन आ रहे हैं। और इधर मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है, मतलब सफाई सफाई कर रही है मम्मी ने, तो अभी पूजा अभी थोड़ा टाइम है तो सफाई वगैरह। और ये हमारी माता रानी, जय हो माता रानी। तो ये हमारा हरेला देखो कितना अच्छा हुआ है, ये है। और इधर माता रानी, तो बस हाँ, तो मम्मी थोड़ा सफाई कर रही है फिर हम लोग आरती वगैरह करें। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही हैं सिया को, सबसे पहले जिमा रही है क्योंकि हमारे घर की कन्या यही है पहली, तो फिर ये इधर उधर हो जाते हैं ना तो ऐसे हो जाता है, तो इसलिए पहले अपने घर की कन्या को जिमा देते हैं। मारो तेज के आशीर्वाद दो। बन रहा है तो खाएंगे चॉकलेट, पागल हो गई चॉकलेट। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, मम्मी जो है मंदिर में अपनी तैयारियां कर रही हैं क्योंकि पूजा वगैरह करनी है। तो मम्मी ने पूरा मंदिर क्लीन कर दिया है और उसके बाद मम्मी थोड़ा सा कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए क्योंकि पूजा वगैरह करेंगे, तो मम्मी साड़ी पहन रही हैं। और आज ना मैंने भी साड़ी पहन ली है, मतलब मैंने पहले रात को ही सोचा था कि मैं साड़ी पहनूंगी। मैं ना बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो मेरे को ना कम्फर्टेबल नहीं होता है और फिर काम वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन जब मैंने वाली साड़ी पहनी ना, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने आज साड़ी पहनी हुई है। ये एक तो बहुत लाइट वेट है, ऊपर से मौसम अच्छा है आजकल, गर्मी वाला नहीं है। और मन भी था कि मतलब साड़ी पहनूं, इस वजह से जब मन नहीं होता है गर्मी होती है और मतलब अजीब सा होता है ना, तो फिर तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता है। लेकिन आज ना मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूं। मैं सोची थी पहले व्रत वाले दिन पहनूंगी तो मैंने उस दिन नहीं पहनी, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूंगी तो फिर आज मैंने साड़ी पहन ली पूजा के दिन। आप लोग बताना कैसे लग रहा है साड़ी। तो बस ऐसे मतलब ये साड़ी ना बहुत जल्दी लग गई क्योंकि इसका वेट ही नहीं है कुछ, इस वजह से। तो फटाफट बस साड़ी भी मैंने बहुत ही जल्दी से पहन ली थी। और यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म जो पूड़ियाँ हैं वो भी बन गई है और भोग जो है सारा बन चुका है। बस अब मम्मी जो है तैयारी कर ली है मम्मी ने, अब हम लोग मम्मी और मैं आरती और पूजा करेंगे साथ में। तो भोग सारा बना दिया है और इसके बाद ना मैंने क्या करा ना, जो हम लोग लेकर आए थे जिसमें बच्चों को देना था मतलब कन्याओं को, उसमें मैं पहले से ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे ना फिर वो अजीब सा लगता है कि मतलब घर में बुला दो और फिर उसके बाद ना बच्चे बैठे रहें इंतज़ार करते रहें, क्योंकि उनको ना बहुत जगह जाना होता है, बच्चे फिर ना बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं पहले से ही रेडी करके रख देती हूँ, सब कुछ रेडी कर देती हूँ। लास्ट में जब हम श्रीफल जो होता है नारियल उसको फोड़ते हैं ना, तब उस टाइम पर वाला प्रसाद रखते हैं। बाकी सारा हलवा पूड़ी माता को निकालने के बाद मैं कन्याओं के लिए निकाल के रख देती हूँ, जैसे ही वो आए तो तुरंत उनको दे दें, क्योंकि बच्चे भी ना बहुत वो करते हैं जाना है इस वजह से, तो उनका भी टाइम वो ना हो, तो इस वजह से मैं पहले ही ये रेडी करके रख देती हूँ। गौरी नारायणी नमस्ते, जय
जयकारा, जय श्री रवाली माता तेरी सदा जय अम्बे गौरी मैया जय तो यहाँ पे जो है कन्या आ चुकी हैं, मतलब मैं उनको लेने गई थी तो आधा पौना घंटा तो मुझे वहाँ खड़े खड़े ही हो गया था क्योंकि ये किसी के घर में थे और फिर वहाँ से ये किसी और के घर में गए तो फिर वहाँ से लाने में बहुत टाइम हो गया। और अगर मैं छोड़कर आ जाती ना तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है इनको लेकर आना। तो मैं वहीं पर खड़ी हुई थी, फिर इन सबको लेकर आई और इन सभी के मैंने पैर धो दिए हैं और इसके बाद ये सब अंदर जाएंगे, अपने आसन पर विराजमान होंगे। और यहाँ पर सिया भी आ गई है, तो मैं ना गई तो सिया को देखने भी थी लेकिन मेरे को ये था कि मेरे को बच्चों को भी लाना है। और इन सबके पैर पता नहीं क्या हुआ, लॉन में ये बोल रहे थे कुछ चुभ रहा है, घास चुभी इनके पैर में, क्या हुआ? मैंने कहा सबके पैर में ही चुभगी क्या? कभी कभी होता है कोई घास ऐसी रहती है ना, तो इस वजह से मुझे लग रहा है वो कुछ चुभ गया होगा इनके, लेकिन ज़्यादा नहीं, ऐसा हल्का सा कुछ हुआ था मेरे ख्याल से। तो सभी यहाँ पे अंदर आ गए, बैठ गए हैं। और इनके साथ ही ना जब मैं इन बच्चों को लेने गई थी ना तो वहीं पे चार पांच बच्चे और थे जो खुद से बोल रहे थे कि कन्या जी मान लो आंटी, कन्या जी मान लो। तो मैंने उनको सीधा घर भेज दिया था, मैंने कहा बेटा आप सीधे जाना, मैं अंकल को फ़ोन कर दूंगी। तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था लेकिन जैसे ही बाहर गए तो उन्हें वो बच्चे दिखे ही नहीं क्योंकि बीच में से ही किसी ने उनको अपने घर में बुला लिया था। तो जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि पता ही नहीं चलता, अगर मैं बच्चों को भी छोड़कर आती ना पे तो पता ही नहीं चलता कि बच्चे कहाँ गए, इसलिए साथ में मैं लेकर आई। लेकिन बाद में उन बच्चों को याद था कि मैंने उनको बोला था तो वो मेरे घर के आगे से ही चिल्लाने लग गए थे, तो उन सभी को मैंने अंदर बुलाया। तो उन सभी की मम्मियाँ जो है ना यहाँ पर जैसे हाउस हेल्पर के उस पर काम करती हैं, तो वो बच्चे थे वहाँ पर, तो मैंने उनको बोल दिया था तो वो आ ही गए थे। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, चलो उनको याद था। तो यहाँ पर 5 कन्या हैं ये और एक लंगूर जो बोलते भैरव का रूप वो बैठा हुआ है यहाँ पे। तो ये ना मुझे बोलता आंटी मुझे अपने घर ले जा लो, अपने घर ले चलो। मैंने कहा हाँ हाँ ले जा रही हूँ मैं। तो ये भी यहाँ पर आ गया था। और इसके बाद फिर जो दूसरे बच्चे हैं वो आ गए थे, मतलब कि पूरी की पूरी 9 कन्या हमारे घर में जीमी है। कई कई बार हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम भी हो जाते हैं क्योंकि बहुत बच्चों को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इस बार हमारी पूरी 9 की 9 कन्या बैठी थी यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर इन सभी के पैर धुला के बिठा दिया था और यहाँ पर टीका लगा दिया है, कलावा बांध दिया है, आरती कर दी है। और मम्मी यहाँ पर जो हरेला था ना वो भी इनके सर पर लगा रहे हैं।
तो बस इस तरह से हमारा जो नवमी है इस तरीके से वो हुआ है। और हम लोगों ने पता है वैसे क्या सोचा हुआ था कि हम लोग मंदिर जाएंगे और माता के वहां पर जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको दे देंगे अगर बाई चांस यहाँ पर बच्चे नहीं मिले या लेट हो गया तो। लेकिन पता नहीं माता रानी की कृपा थी कि टाइम टू टाइम हर चीज़ हुई और मतलब पूरी कन्याएं भी हमारे घर में आई तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये सब बच्चे बैठे हैं और खाते तो ये है ही नहीं आप सभी को पता क्योंकि सुबह से बाहर निकले रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनका बेटा थोड़ा थोड़ा सा चख लो, थोड़ा ये हो जाएगा कि चलो इन्होंने प्रसाद खाया तो फिर आगे हम भी प्रसाद खाएंगे ना, इसलिए। तो बस मम्मी यहाँ पर जो है इन सभी को आरती वगैरह वो कर रही हैं, फिर इनसे आशीर्वाद लेंगे और फिर जैसे ही गए ना वैसे ही वो दूसरे वाले बच्चे भी आ गए थे। वो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना वो वाले बच्चे भी आ चुके हैं और इनको देख के फिर मैंने पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे, मैंने यहाँ भेजे थे, तो वो बोलते हैं कि आंटी हैं वो मुझे हमें ले गए थे। तो फिर वो आ गई थी क्योंकि ना कन्या ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए यहाँ पे ना छोटी सी भी आई थी बिल्कुल 2 साल की बता रहा था, इसको इतनी क्यूट लग रही थी ना, ये बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस यहाँ पर इन सभी को भी जिमा दिया है और ये ना जैसे वो गए वैसे ही आ गए थे, तो इतना अच्छा लग रहा था कि चलो हमने अच्छा हुआ कुछ प्रसाद वगैरह मतलब ऐसे चखा भी नहीं, तो सुच्चे मुई मतलब इनको हमने कन्या जिमा दी है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो नवमी रहा है वो इस तरीके से रहा है। और मेरे को ना यहाँ पता ही था कि आशी जो है वीडियो बना रही है, जब मैंने देखा तो वो वीडियो बना रही थी। तो कभी कभी ना बच्चे सरप्राइज देते हैं मतलब कभी कभी बोल बोल के भी बनाते, कभी कभी बिना बोले ही बना दिया, तो मेरे को इतना अच्छा लगता कि आशी अपने आप से वीडियो बना रही है। तो बस यहाँ पर इन सब ने भी थोड़ा थोड़ा चखा था और फिर ये बच्चे भी चले गए थे। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना और आपकी नवमी कैसी गई वो भी जरूर बताना, हमारी तो बहुत अच्छी गई माता रानी की कृपा से। इसके आगे व्लॉग ना मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी क्योंकि वीडियो काफी लंबी उड़ थी इसलिए। तो चलूंगी, चलिए मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।